हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका देवभूमि उत्तराखंड में, और मैं आ गया हूँ अपनी देवभूमि उत्तराखंड में। क्या बना रहे हैं आप? दाल गुड़िया ले बुज्जी, गुड़िया ले सब्जी बनो। दादी ये क्या कर रही हैं आप? क्या है ये? क्या है ये? क्या है? क्या कहते हैं इसको कड़ाली में? छौंका मारेंगे। छौंका मार क्या कहते हैं इसको, मतलब नाम क्या है इसका? इसका रे है। रे है जी, हमारी दादी कह रही हैं इसका नाम है राई। रे। और ये आता है तड़के के काम। काम का है। हमारी भैंसी पिंकी का हो रहा है जी स्नान। चाचा जी की दाल है। चाचा जी ढाबा है। चाचा जी ढाबा ये देखिए, देखो चावल ये है, दुकान के चावल नहीं है, दुकान हम इसको घरे बनाएंगे गाड़ी, ठीक है। अब ये देखो हमने फटका फटी कर दी, अब ये बनेगा पतीले में, ये पतीले में बनेगा ये, ठीक है जी। ये इसमें कुकर भी नहीं बनेगा ये, आज पतीली में, आज पतीली मालूम क्यों? इसका वो निकालना पड़ेगा पानी। अच्छा, लिक्विड है उसको, उसकी बनेगी कड़ी ना, वो जो मांड है ना, मांड उसको निकालना पड़ेगा, इसलिए वो हमारे पेट भारी है। हाँ, खराब करो, करो जी खराब करो, करो उसको। हाँ ऐसा सर, लार मारो, लार हल्का हल्का नीचे गिर जाए, उसमें बताओ जी क्या कमी है, हम को कहेंगे नहीं है। हमको कहेंगे नहीं है, ये बताना पड़ेगा तुम्हें, चम्मच ले लो स्पून ले लो यहाँ से। देखो हमको कहेंगे नहीं है, ये हमारा आइडिया कितना है, नमक की कमी है जी थोड़ा, हल्का से हम भाई हम इतने खा देंगे, आपके लिए अलग डालना पड़ेगा। जबरदस्त, वाओ। नमक कितने में से कितने में लेंगे बताओ? नमक मुझे लगता है थोड़ा सा हल्का से चाहिए बस, तो फिर वो छुट्टी के लाभ आप ले लो, यहाँ से नमक ले लो, क्योंकि हमने हमने जो बनाया बड़ी स्वाद, इसमें हम नमक इतने नहीं मांगता। हो गया भाई, हो गया। एक बार फिर से दाल टेस्टिंग। गरम भी बहुत आता है, और इधर भी नमक की कमी है थोड़ा। हाँ शायद थोड़ा सा चेंज भाई, देख भाई हाँ हम तो ठीक पर तुम ठीक है सब काम पानी सब काम काम है। तो दोस्तों, हमारे पहाड़ों में ये भी एक प्रकार का फल होता है, इसको कहते हैं पहाड़ों में फैया, और इसको खाया जाता है, हमने बचपन में बहुत सारा खाया है। थोड़ा सा कड़वा है लेकिन जबरदस्त, और इसी तरह से हमारे पहाड़ों में बहुत सारे फल पाए जाते हैं, होते हैं इन दिनों, जैसे कि हिस्सर, गिंगारू, वेंड वगैरह वगैरह बहुत सारे फल होते हैं, तो हम इनको भरपूर आनंद लेते हैं इन सीजन में। ये है हमारा पहाड़ी फल हिस्सर, और ये अभी पकने में उसको शायद अभी 3-4 हफ्ता लग जाएंगे, तो हम फिर इसकी वीडियो बनाएंगे और खाने आएंगे यहाँ पर हिस्सा।